गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टोर लेआउट डिज़ाइन एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। बेटा आज हम करेंगे कि स्टोर को कैसे मैनेज करते हैं। स्टोर मैनेजमेंट के ही पार्ट हैं फर्दर स्टोर लेआउट डिज़ाइन एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ओके, नाउ स्टोर मैनेजमेंट कितने प्रकार का होता है? तीन: कस्टमर सर्विसेज, मैनेजिंग द स्टोर, लेआउट डिज़ाइन एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ओके, नाउ अब एक स्टोर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए दिखने में, कि जो स्टोर की लेबलिंग है, स्टोर का लेआउट है, वो कैसा होगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होके आपके थिंग्स को, कमोडिटीज़ को ईजिली बाय कर पाएगा। ओके, डिपेंड करता है कि आप कैसे लेआउट करते हो, कि वो चीज़ विजिबल है जो एक्चुअल में आप अपने स्टोर में प्रोवाइड कर रहे हो, कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, रेस ट्रैक कहाँ पे है, वो सारा कुछ एक इन्वायरमेंट में मैटर करता है। अब स्टोर डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे एक स्टोर को डिज़ाइन करने में? कंसिस्टेंट विथ रिटेलर्स इमेज एंड स्ट्रेटजी, क्या आप प्लानिंग करते हो एक इमेज क्या है एक रिटेलर के साथ कंसिस्टेंट वे में? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शंस एंड परचेज बिहेवियर, कि एक कस्टमर का परचेज जब चीज़ वो बाय करता है कि उसका बिहेवियर क्या इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, कि उसे चीज़ें हैं जो वो बाय कर रहा है उसे अच्छी लगी या नहीं, इफ़ेक्टिव कॉस्ट है या हाई है या लो है, फ्लेक्सिबल है, मीट नीड्स ऑफ डिजेबल्ड, मीन्स जो चीज़ उसे चाहिए वो नहीं मिली, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा उस पॉइंट में। ओके, देन ट्रेड ऑफ इन स्टोर डिज़ाइन, इजी ऑफ लोकेटिंग मर्चेंडाइज फॉर प्लान परचेजेस, कि अब कुछ भी परचेज करना है उसे पहले से ही माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि इजी लोकेट कर लेंगे कस्टमर्स हमारे। एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टोर इंपल्स परचेजेस, कि एक्सप्लोर कैसे करना है अपने, कहते हैं ना कि हाँ मैंने ये चीज़ लेनी है यार, वो ना हमें मॉल नज़दीक पड़ेगा या हम इतनी दूर नहीं जाना चाहते, वो सारा क्या एक्सप्लोर करता है जब हम एक चीज़ को ख़रीदते हैं वन मैन पर्सन। टाइप्स ऑफ स्टोर लेआउट्स, अब लेआउट्स कितने प्रकार की होती है? ग्रिड, रेस ट्रैक, फ्री फ्रॉम। ओके, नाउ ग्रिड लेआउट, इजी टू लोकेट मर्चेंडाइज, डज नॉट इनकरेज कस्टमर टू एक्सप्लोर स्टोर, अलाउ मोर मर्चेंडाइज टू बी डिस्प्ले, कॉस्ट एफिशिएंट, मींस ग्रॉसरी, डिस्काउंट, ड्रग स्टोर, कि कैसे लेआउट करना है अपने बिजनेस को एक प्लानिंग में लाने के लिए, और एक अपने बिजनेस को जैसे हमने होलसेलर से ख़रीदा, फिर रिटेलर लेके गया, रिटेलर आगे कस्टमर को दे रहा है कुछ प्रॉफिट को कमा के। ओके, मर्चेंटाइज करना, मैंने आपको बताया था मर्चेंटाइज मैनेजमेंट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, कौन करता है, होलसेलर से रिटेलर करता है, ठीक है, फिर रिटेलर आगे कस्टमर को प्रोवाइड करता है किसके लिए, टू अर्न द मैक्सिमाइज प्रॉफिट। नेक्स्ट ग्रिड स्टोर लेआउट की बेटा पिक्चर अवेलेबल है, कैसे कैसे होता है, रिसीविंग एंड स्टोरेज कैसे करते हैं, कार्ट एरिया, एंट्रेंस, ये लोकेशन बताता है कि एक स्टोर का ग्रिड लेआउट कैसा होना चाहिए, दिखने में कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट रेस ट्रैक लेआउट, ड्रॉ कस्टमर अराउंड द स्टोर, प्रोवाइड डिफरेंट साइट लाइन एंड इनकरेज एक्सप्लोरेशन, इम्पल्स बाइंग यूज इन डिपार्टमेंट स्टोर, क्या कहते हैं इसमें कि एक रेस ट्रैक कैसा होना चाहिए एक स्टोर का, देखने में कैसा हो, देखें ये देखो लोकेशंस बताता है कि कौन कौन सी जगह में कौन कौन सी चीज़ प्रोवाइड होगी और कहाँ पर पड़ी होगी, वो होता है आपका रेस ट्रैक लेआउट। एग्जाम्पल ऑफ रेस ट्रैक ट्रैक लेआउट मीन्स जैसे हम मॉल में गए, रेस ट्रैक बना हुआ, इधर से घूम के फिर उधर मॉल में शिफ्ट हुए, देन वन बाय वन डिविजिबल पार्ट्स किए हुए हैं, जेंट्स, लेडीज़, पर्स, शर्ट्स वगैरह, ट्राउजर्स वगैरह, कि रेस लेआउट कैसा होता है दिखने में।
डिफरेंट साइड लाइंस बनी होती हैं, जैसे हमें पता होता है कि हमने इधर से जाना है, देन गो आउट इधर से होना है, ठीक है। वे पूरे स्टोर की अराउंड एरिया के बारे में बताता है कि कहाँ पे कौन सी रेस ट्रैक बनी हुई है। फ्री फ्रॉम लेआउट, बुटीक लेआउट, फिक्स्चर्स एंड एसल्स अरेंज एस सिस्टमेटिकली, प्लीज एंड रिलैक्सिंग एंड एम्बियंस डज नॉट कम चीप, स्मॉल स्टोर एक्सपीरियंस, इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, मोर सस्पेक्टेबल टू शॉप लिफ्टिंग, सेल पीपल्स कैन नॉट व्यू एडजेसेंट स्पेसेस, यूज इन स्पेशली स्टोर्स एंड अप स्केल डिपार्टमेंट स्टोर। ये देखो फ्री फ्रॉम लेआउट। अब फ्री फ्रॉम लेआउट में क्या है कि कस्टमर चेकआउट काउंटर होता है, क्लियरिंग आइटम्स होती हैं, पैंट्स, फीचर्स, टॉप्स, ड्रेसिंग रूम्स, स्टॉकिंग, कैजुअल वेयर, जीन्स के अलग अलग पार्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ, ओपन डिस्प्ले विंडो। एक फ्री फ्रॉम लेआउट में कैसा दिखना चाहिए एक बुटीक का लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बुटीक एरिया, आपके सामने एग्जांपल है बच्चे। देन डिस्प्ले एरियाज, फीचर्स एरियाज एंड प्रमोशनल साइज, फ्री सेंडिंग फीचर्स, पॉइंट्स ऑफ सेल्स एरिया वॉज। डिस्प्ले मीन्स कि कोई भी चीज़ हमने जब खरीदनी है उससे स्टोर में कैसे डिस्प्ले करनी चाहिए कि जो भी बायर है उसको ईजिली विजिबल हो, विजुअल मर्चेंडाइजिंग वे में दिखाई दे, हुआ चाहे वॉल है, चाहे मिरर्स है, चाहे ग्लासेस हैं, उसमें विजिबल होनी चाहिए। अब एक डिज़ाइनिंग स्टोर डिज़ाइन कैसे करते हैं एक वेब पेज में, सिंप्लिसिटी मैनर मैटर्स, गेटिंग अराउंड, प्रायोरिटाइज डिज़ाइन लेआउट बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू एकॉम्प्लिश, फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री लेटर्स। अलग अलग पार्ट्स में डिविजिबल हैं एक स्टोर को डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है एक वेब पेज पे। स्पेस प्लानिंग होनी चाहिए, स्पेस प्लानिंग कंसीडर कैसे करते हैं, देन प्राइम लोकेशन फॉर मर्चेंडाइज, नेक्स्ट स्पेशल कंसीडरेशंस एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग में बेसिकली विजुअल जो चीज़ हमें विजिबल है देखने में उसे कहते हैं हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइज ग्राफिक जैसे क्लोथ्स वगैरह हाई रैंकिंग किए हुए हैं कि हमें देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देन हम ईजिली इसे बाय कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव वे में होके, ठीक है बच्चे। ये थे आपके आज के बच्चे विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होते हैं, स्टोर को लेआउट कैसे करते हैं, स्टोर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, स्टोर को मैनेज कैसे करते हैं, ये सारा इसमें आज आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच बच्चे।